हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस को चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए, मैं बहुत सारे वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स लेके आते रहता हूँ। ओके दोस्तों, जो भी स्टॉक मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा चैनल आपको कभी भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं सिर्फ आपको स्टडी पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर निफ्टी 50 देखेंगे तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 आपको आज लाल रंग में क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। सिर्फ 18 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ओपनिंग तो आपको बहुत ही नीचे देखने को मिल रही थी। वो आपको कल रात को ही पता चल गया था, क्योंकि अगर देखेंगे डाउ जोन्स में भी आपको कल बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। सो उसी का रिफ्लेक्शन आपको हमारे निफ्टी में भी देखने को मिल रहा था। अगर FISDS का डेटा देखेंगे तो DIS देख सकते हैं 1100 के बाइंग किए हैं। ऑन द अदर साइड FIS एंड FPS ने 2200 का माल सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम अगर इंडेक्स लेवल पर देखेंगे तो हम देख सकते हैं हमारे अलग अलग इंडाइसेस है। सो उसमें अगर देखेंगे आपको पूरा आपको ज़्यादातर 1% के नीचे आपको देखने को मिल रहे थे तेज़ी या फिर गिरावट हो। सो उसमें आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन निफ्टी PSU बैंक था वो जो आपको 1.78% की तेज़ी आपको देखने को मिल रहा था। सो अगर आप देखेंगे इसमें से अगर सबसे ज़्यादा प्रेशर में था वो था आपको जो निफ्टी रियल्टी। सो निफ्टी रियल्टी अगर आप देखेंगे कुछ दिन से बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था, आज आपको 2.5% नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ग्लोबल इंडाइसेस, सो ग्लोबल में अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ उतना तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं 0.5% के नीचे आपको यूरोपियन बाजार्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम डाउ जोन्स देखेंगे तो फिलहाल तो अभी डाउ जोन्स खुला नहीं है, जैसे ही खुलेगा आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो कल का क्लोजिंग था अगर आप देखेंगे, देख सकते हैं 396 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। क्लोज टू 1% की गिरावट आपको डाउ जोन्स में कल रात को देखने को मिल रही थी। देखना पड़ेगा आज का ओपनिंग डाउ जोन्स का कैसा रहेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ शेयर्स के न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो उनमें से वोडाफोन आइडिया का जो शेयर होल्डर था उन्होंने अप्रूवल दिए हैं फॉर फंड रेजिंग प्लान के लिए। सो सम ऑफ अमाउंट 20,000 crores। सो शेयर होल्डर्स को तो अप्रूवल देना ही था, क्योंकि अगर अप्रूवल नहीं देंगे तो कंपनी सर्वाइव कैसे रहेगी। सो इस कंपनी के सर्वाइवल के लिए इनको फंड्स की बहुत ही ज़रूरत आपको देखने को मिल जाती है। कंपनी के तो बोर्ड ने तो ऑलरेडी February 27 के अप्रूवल दिया था। सो अभी शेयर होल्डर्स के लिए गया था अप्रूवल के लिए। सो वहाँ से भी इनको अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अराउंड 20,000 crore का फंड रेजिंग प्लान आपको देखने को मिल रहा है। सो अभी देखना पड़ेगा कौन इस कंपनी में भी फंड डालने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही वीक हैं और इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं एयरटेल और जियो, वो ऑलरेडी अपने 5G का एनरोलमेंट उन्होंने बहुत सारे हज़ारों सिटी में ऑलरेडी कर चुके हैं। इन्होंने तो अभी भी 4G का भी ठीक से किया नहीं। सो 4G करना है, उसके बाद 5G करना है। सो बहुत ही टफ इनको होने वाला है। लेकिन वोडाफोन आइडिया बता रहे हैं कि इनके जो वेंडर्स हैं जैसे कि सोनी हो, एरिक्सन हो या फिर सैमसंग हो, उनके लिए अभी बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। सो अगर वोडाफोन आइडिया को ठीक तरह से अगर फंड रेजिंग हो गया, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है जो एयरटेल एंड जियो, उनका ऑलरेडी हो चुका है एक्सपांशन। सो उनके लिए वहाँ पर लिमिटेड स्कोप है, लेकिन उनको वोडाफोन आइडिया में बहुत अच्छा स्कोप है करके वोडाफोन के मैनेजमेंट बता रहे हैं। सो अभी देखना पड़े, वो तो बाकी की बातें, सबसे पहले इनको फंड लेके आना पड़ेगा। फंड कहाँ से जुटाएंगे वो सभी देखना पड़ेगा। उसी के बाद अगर हम देखेंगे आपको और एक न्यूज़ देखने को मिल रही है कि जो वोडाफोन आइडिया है अभी FPO लेके आ सकता है, या फिर प्रेफरेंशियल राइट्स भी इशू कर सकता है, या फिर आपको और भी बहुत सारे वैसे अभी फंड रेज कर सकता है करके रिपोर्ट के द्वारा न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, वो भी विद इन स्पैन ऑफ 1 to 2 weeks। सो अभी देखना पड़ेगा ये अभी कब तक हो सकता है, क्योंकि इनको तो अभी ऑलरेडी शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल चुका है। सो अभी रिपोर्ट के द्वारा वो भी न्यूज़ आ रही है कि विद इन 1 to 2 weeks वो लोग अभी FPO लेके आएंगे, नहीं तो प्रेफरेंशियल राइट्स या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकते हैं करके बातें सुनने को आ रही है। और प्लस कुछ दिन पहले आपको और एक रिपोर्ट आया था कि अभी वोडाफोन आइडिया बैंक के साथ डिस्कस कर रहा है कि कैसे वो भी फंड्स जुटा सकते हैं। सो अभी वो देखने वाली बात होगी। सो लेकिन जब ये न्यूज़ आ गई तो आप देख सकते हैं आज वोडाफोन आइडिया में आपको 1.12% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे अराउंड 5% की आपको तेज़ी देखने को मिल रही थी। उसके बाद मार्केट में आपको आज प्रेशर था, इसलिए आपको थोड़ा सा
बिकवाली देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे टाटा कंसल्टेंसी जो कि 1.71% की तेज़ी, उसके साथ विप्रो देखेंगे वो भी आपको 0.53% की तेज़ी, HCL टेक में भी आपको तेज़ी देखने को मिल रहा था जो कि ओवरऑल इंडेक्स आपको आज प्रेशर में देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर देखेंगे बीच में आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाइक देखने को मिल रहा था सभी IT कंपनीज में, बाद में आपको हल्का सा कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा था। सो इसका रीज़न है कि वो CLSA, सो जो CLSA जो क्रेडिट रेटिंग है, इन्होंने इनका बाइंग रेटिंग अपग्रेड किया है। कुछ कंपनीज की इन्होंने पहले सेल करके रखा था, अभी उन्होंने अपग्रेड किया, मतलब अंडर परफॉर्म करके किया है। सो अभी देखना पड़ेगा आने वाले जो इनके रिजल्ट्स है उनमें इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सो इनका मेन रीज़न यही था कि जो अभी ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आने वाले जो इनके रिजल्ट्स है उनमें से ये लोग अभी गाइडेंस बहुत ही मतलब सोच समझ के दे देंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी गाइडेंस दे देंगे। मार्केट को भी पता चल चुका है कि ये लोग अभी कुछ मतलब ये कंपनी से भी ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो एक्सेंचर के नंबर्स आए थे उसी को मार्केट को एक अंदाज़ा आया था कि इनके भी नंबर्स कैसे हो सकते हैं। सो अभी इन्होंने इनको अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा था पहले, जो कि इन्होंने सेल करके इन सभी कंपनीज को मतलब कॉल दिया था, अभी इसको अंडर परफॉर्मिंग किया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे मजगांव डॉक शिप बिल्डर जो कि आपको 11% की तेज़ी देखने को मिल रही थी, क्लोज टू 12%। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड जो कि आपको 8-8.5% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। उसके बाद गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, सो इसमें भी आपको आज अराउंड 6.9% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। इन तीनों कंपनीज के तेजी के बिहाइंड का रीज़न है दोस्तों वो है क्रेडिट रेटिंग्स या फिर ब्रोकरेज बोल सकते हैं। सो इनका भी मानना है कि जो आने वाले इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर्स बहुत ही अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं गवर्नमेंट की ओर से। प्लस वो और जेफ्रिस जो सभी लोगों को मालूम है उनका भी मानना है कि जो अगर जियो पोलिटिकली देखेंगे बाहर के देशों में आपको बहुत ही सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया है कि अपना खुद का सेल्फ रिलायंस बनने पर जुटा है और प्लस वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर अपने घरेलू कंपनीज को दे रहा है, इसलिए इनके आने वाले नंबर्स अच्छा खासा होने वाले हैं करके वो बता रहे हैं। प्लस वो और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनका जो एक्सपोर्ट है वो अगर एक बार स्टार्ट हो गया, जो कि आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इजिप्ट, इटली या UAE या ब्राज़ील जैसे देशों के साथ इनका बातचीत चल रहा है, अगर एक बार इनको अच्छा खासा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना शुरू हो गए तो ये कंपनियाँ और भी ज़्यादा अच्छे खासी कमाई कर सकती है करके ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो जैसे वो रिपोर्ट आ गया आप आज देख सकते हैं इन स्टॉक में आपको अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा था, जो कि आपको 10-12% की तेज़ी आपको कुछ स्टॉक में देखने को मिल रहा था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।